आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज फिर से जो हमारी स्टैटिक जीके की जो है एक क्लास चल रही है, उसमें हम जो है आज जो चैप्टर हमारा है वो है महत्वपूर्ण दिवस। 18 चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए, जो रोजगार वेदांकित की बुक है सामान्य ज्ञान की, उसके क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम 18 चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है आपका महत्वपूर्ण दिवस। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। छोटी सी क्लास रहेगी आपकी आज की। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी सीजीएल 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। डियर फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका 24 जनवरी को आपको मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये एसएससी ने इसे 2020 में पूछा था कि 24 दिसंबर, 24 सितंबर या 24 अक्टूबर या 25 नवंबर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, दूसरे का जो हो जाएगा आपका 24 दिसंबर जो हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम यहाँ पर। भारत में 21 मई का जो दिन है किस रूप से मनाया जाता है। सीडीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनआरआई दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 3 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो 21 मई का दिन है हमारा वो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। MPPSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 फरवरी को, 21 मार्च को, 7 अप्रैल को या 22 अप्रैल को। तो 4 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है आपका वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं डिफरेंट, जो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी ने 2021 में पूछा है। 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 11 जुलाई को या 5 जून को। तो 5वें नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो विश्व जल संरक्षण है आपका वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है। एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो 6 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त किससे संबंधित है। MPPSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यानचंद, सी के नायडू, दिलीप सिंह, मिल्खा सिंह। तो 7th नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ध्यानचंद के नाम से संबंधित है आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी पे हम पहुँचते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को रक्त की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रघुराज बहादुर या सीआर राव, और इसी के साथ यहाँ पर 2 ऑप्शन और देखते हैं, केसी श्रीधर पिल्लई या फिर पीसी महानलोबिस के नाम पर। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा, पीसी महानलोबिस के नाम से ये जानते हैं। इसी के साथ 9th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। UPPCS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो इसमें से कौन सा जो है आपका गलत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट 9th नंबर की। तो आपका जो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस आपका वो 30 जून को नहीं मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। UPPCS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है आपका वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आने वाली जो मंडे से क्लास होंगी आपकी, उसमें एक चैप्टर एक दिन में हम डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। UPPCS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या 21 दिसंबर को। तो 11वें नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है आपको वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एसएससी MTS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29 जुलाई, 12 मई, 5 नवंबर या 10 जनवरी। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है।
एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 मई को, 26 जून को या 15 अगस्त को या आपका 25 जनवरी को। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, आप यहाँ पर हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या 14 मार्च को या 6 अप्रैल को या फिर 14 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को। तो जो हिंदी दिवस है डिफरेंट हमारा वो है आपका कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को रिक्त की जयंती पर मनाया जाता है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर या जवाहरलाल नेहरू की या आपका राजीव गांधी की। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं हम, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। एनडीए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 अक्टूबर, 26 नवंबर, इसी के साथ यहाँ 26 दिसंबर या 6 दिसंबर। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं डिफरेंट, 26 दिसंबर को हम मनाते हैं वीर बाल दिवस के रूप में। बात आती है 17 नंबर क्वेश्चन की, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था 7 जून को, 5 मई को या 12 मार्च को या फिर आपका 23 जनवरी को। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था वो 23 जनवरी को लिया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर पर आते हैं, प्रतिवर्ष के जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर एसएससी 2020 में पूछा गया था किसके जन्म को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एलिस वॉकर या फिर क्लोरा बार्टन या मदर टेरेसा। तो 18 नंबर की जो बात करेंगे, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की वर्षगांठ पर हम जो अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस हम मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 19 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको उसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। सीजीपीसीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 21 जुलाई को मनाते हैं, 23 जुलाई को मनाते हैं या फिर 21 दिसंबर को मनाते हैं, सितंबर को या फिर आपका 21 जून को। तो 19 की जब बात करें डिफरेंट, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आपका वो 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं डिफरेंट, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा आपका संविधान दिवस किस रूप जो है किस दिन मनाया जाता है, क्या 26 नवंबर को, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो संविधान दिवस है आपका वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं डिफरेंट, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। आरआरबी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 22 अप्रैल को या 26 जुलाई को या फिर आपका 29 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को। तो 21 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 29 अगस्त को जो है हम किस रूप में मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर की बात करेंगे, सम्मिलित आपको करना है, एक तरफ दिवस दिए हैं, घटना और अवसर दिए गए हैं। 18 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं या 22 मई को यहाँ विश्व विरासत दिवस मनाते हैं या फिर 29 जुलाई को हम विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं या 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है, कूट की बात करेंगे यहाँ पर कौन सा कूट आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर कूट की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो 22 नंबर का जो कूट होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का होगा दूसरे से और आपका जो है यहाँ पर बी का होगा आपका 4 से और सी का होगा 1 से और डी का होगा 3 से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है। यूपीपीसीएस 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अगस्त या 26 सितंबर। तो 23 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंट से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एसएससी ने 2019 में इसे पूछा था कि 17 मार्च को मनाते हैं, 27 मार्च को, 22 मार्च को या 12 मार्च को। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 25 नंबर क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। एसएससी 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है 21 सितंबर को, 23 अक्टूबर को, 19 जनवरी को या 6 मार्च को। तो 25 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, जो आप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को हम मनाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन पर आज के डेट में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यूपी पीसीएस 2018 में पूछा क्वेश्चन है, 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को या 16 अप्रैल को। तो 26 नंबर की बात करेंगे हम, तो 22 मई को हम मनाते हैं कौन सा, विश्व जैव विविधता दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर हम, विश्व हस्त प्रक्षालन यानी धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। एसएससी ने 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था, 15 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 4 मार्च या 24 जून। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस है आपका, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब शहीद हुए थे तो इनकी याद में हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। एमपीएसआई में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या 7 जून को मनाते हैं, 17 जुलाई को मनाते हैं या 7 अगस्त को या 17 सितंबर को। तो 29 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, 7 अगस्त को जो है हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीजेएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही, तो बिहार में जो है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिफरेंस क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपकी एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इस बुक का जो है रिवीजन इसी महीने में और जो है जल्दी फास्ट तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।